और देखिए लगातार ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इंतजार किया जा रहा था राहुल गांधी का, एक बड़ी सभा आज होने वाली है और ऐसे में ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से, जहां पर राहुल गांधी को रिसीव करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। और ऐसे में समझा जा सकता है कि आज का दिन राहुल गांधी के लिए या फिर कहें कांग्रेस पार्टी के लिए या फिर कहें राजस्थान सरकार के लिए बेहद अहम दिन। और ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, जो राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे और रिसीव करने पहुंचे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा भी लगातार मौके से जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ जानकारी अभी राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर? अभी देखिए राहुल गांधी जयपुर आ चुके हैं, उनको लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ प्रभारी जो रंधावा और पीसीसी चीफ जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत किया है। और अब राहुल गांधी का जो कारवा है वो एयरपोर्ट से रवाना हो रहा है, उसी सबसे पहले एयरपोर्ट जाने का उनका एयरपोर्ट से रामबाग जाने का प्रोग्राम है। देखिए पूरा जो कारवा है राहुल गांधी का वो यहाँ से रवाना हो चुका है, अपने जोश को दिखे राजस्थान की यात्रा एक विशेष यात्रा है, काफी जोश राहुल गांधी नजर आए मुख्यमंत्री से तो उनका स्वागत किया। और जो अन्य पार्टी पदाधिकारी हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे, फिलहाल राहुल गांधी का जो कारवा है यहाँ से रवाना हो चुका है, जरा होटल रामबाग के लिए प्रस्थान करेंगे, वहां से फिर जो दिन में उनका प्रोग्राम है वापस। अच्छा, आज के पूरे शेड्यूल को लेकर भी सत्यनारायण जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या क्या शेड्यूल राहुल गांधी का रहने वाला है और क्या राहुल गांधी निकल चुके हैं एयरपोर्ट से अभी? और चलिए हमारे सहयोगी सत्यनारायण से एक बार फिर से जुड़ेंगे, पर ये सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा देते हैं फर्स्ट इंडिया पर, उस वक्त की तस्वीर जब राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। और देखिए यहां से सीधा कार्यक्रम उनका है रामबाग पैलेस जाने का, उसके बाद में कार्यक्रम होंगे क्योंकि देखिए जैसे भी कल से हम आपको अपडेट दे रहे हैं गांधी वाटिका का लोकार्पण राहुल गांधी के द्वारा किया जाएगा, उसके साथ में ही पीसीसी भवन का लोकार्पण करेंगे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ी जनसभा जो आज राहुल गांधी की होने वाली है उसको संबोधित करते भी नजर आएंगे। ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण राजस्थान सरकार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए साफ तौर पर इसको माना जा सकता है। और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए, यानी कि राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं और आज जो कि बैक टू बैक कार्यक्रम होने हैं जिनमें शिरकत राहुल गांधी करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जो दावा लगातार किया जा रहा है राजस्थान सरकार की तरफ से सरकार रिपीट करने का, ऐसे में ये सभा राहुल गांधी के द्वारा उस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। राहुल गांधी जैसे ही जयपुर पहुंचे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि रिसीव करने उनको पहुंचे हैं। और क्योंकि देखिए कल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जब जयपुर पहुंचे थे और उन्होंने खुद तैयारियों का जायजा लिया था। और ऐसे में देखिए राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं, यहां से सीधा एयरपोर्ट से सीधा कार्यक्रम है उनका रामबाग पैलेस जाने का और उसके बाद में होंगे बैक टू बैक कार्यक्रम, चाहे वो गांधी वाटिका का शिलान्यास हो या फिर पीसीसी भवन का लोकार्पण हो और उसके बाद में एक बड़ी सभा जिसका जायजा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लेने के लिए पहुंचे थे। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा था और आज का दिन राजस्थान सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सभा होनी है, चुनावी साल है, चुनाव बेहद नजदीक है, आचार संहिता लगने वाली है और उस लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और देखिए लगातार फर्स्ट इंडिया तस्वीरें आपको वो भी साझा करेगा जब राहुल गांधी तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, तमाम कार्यक्रमों में पहुंचेंगे, लोकार्पण शिलान्यास के लगातार कार्यक्रम भी राहुल गांधी के होने वाले हैं। और फिलहाल सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनको रिसीव करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंचे थे, यहां से सीधा रामबाग पैलेस जाने का राहुल का फिलहाल कार्यक्रम है और उसके बाद में बैक टू बैक अलग अलग कार्यक्रमों में राहुल गांधी शिरकत करने वाले हैं। क्योंकि देखिए कर्नाटक में भी अगर चुनाव की बात की जाए तो राहुल गांधी एक अलग अवतार में नजर आए थे, क्योंकि देखिए फोकस की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी फोकस रहता है जनसंपर्क पर और उसी फोकस पर बिलीव करते हैं राहुल गांधी, वो भी हमेशा लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों से रूबरू होते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए अक्सर नजर आते हैं।
और हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा लगातार बने हुए। सत्यनारायण, क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास? देखिए, राहुल गांधी जयपुर आ चुके हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। फिलहाल राहुल गांधी सीधा एयरपोर्ट से रामबाग के लिए रवाना हुए हैं। रामबाग के अंदर उसको देर विश्राम करेंगे, उसके बाद में सुबह 10 बजे पीसीसी कार्यालय से भी जाने का प्रोग्राम बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दोपहर 11:30 बजे एयरपोर्ट पर जो हुए हैं वो भी पहुंच रहे हैं। उसके बाद में करीबन 3 बजे गांधी वाटिका का लोकार्पण राहुल गांधी करेंगे, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां मौजूद रहेंगे। फिलहाल राहुल गांधी के दौरे को लेकर आयुष अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पार्टी के आला अधिकारी हैं गोविंद सिंह डोटासा जो की पीसीसी है वो यहाँ पर आए हुए थे, उनका स्वागत किया है। खुद पीसीसी जो राजस्थान प्रभारी है कुलदीप सिंह रंधावा, उन्होंने उनका स्वागत किया है। फिलहाल सभी नेता अब एयरपोर्ट से रामबाग के लिए रवाना हो चुके हैं। रामबाग थोड़ी देर राहुल गांधी विश्राम करेंगे, उसके बाद में जो आज का कार्यक्रम है, आज के 3 से 4 कार्यक्रम है, उन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। काफी जोश में दिखे, काफी राहुल गांधी इस पूरे राजस्थान की यात्रा है उसको लेकर काफी जोश में दिखे हैं। हालांकि वो पहले गाड़ी की सीट पर बैठे थे, लेकिन बाद में वो गाड़ी की अगली सीट पर आ गए, उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। फिलहाल जो राहुल गांधी का कारवा है, जो काफिला है, वो रामबाग के लिए रवाना हो चुका है। सत्यनारायण, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास में? देखिए, फिलहाल खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ थे, साथ साथ जो पार्टी के अन्य आला अधिकारी थे वो उनके साथ थे। और अब सत्यनारायण, आवाज मिल पा रही है आपको? और देखिए, हमारे सहयोगी सत्यनारायण से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, तमाम जानकारी सत्यनारायण देते हुए नजर आए, क्योंकि यहां से काफिला राहुल गांधी का एयरपोर्ट से रामबाग की तरफ निकल चुका है और अब से बैक टू बैक कार्यक्रम होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए, फिलहाल एयरपोर्ट की तस्वीरों की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे थे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे। राहुल गांधी को रिसीव किया गया और देखिए, यहां से सीधा राहुल गांधी का काफिला निकल चुका है रामबाग पैलेस के लिए। वहां पर राहुल गांधी कुछ देर विश्राम करेंगे और उसके बाद में होंगे राहुल गांधी के बैक टू बैक कार्यक्रम। और ये देखिए क्या क्या कार्यक्रम आज होने वाले हैं, उसको लेकर भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आज क्योंकि लोकार्पण आज राहुल गांधी करने वाले हैं पीसीसी चीफ सीएलपी लीडर के कक्ष और साथ ही साथ में हाईटेक हेडक्वार्टर, क्योंकि पीसीसी भवन का शिलान्यास भी आज राहुल गांधी के द्वारा किया जाना है और उसकी तस्वीरें भी फौसी ने हमने आपको दिखाई थी। और आज तमाम कार्यक्रमों में राहुल गांधी शिरकत करने वाले हैं, यानी कि आज का दिन बेहद खास होने वाला है राजस्थान सरकार के लिए। और आगामी चुनाव को देखते हुए ये दौरा राहुल गांधी का बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए अक्सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा करते नजर आते हैं और अपनी जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरा पूरा प्रयास करते हैं कि हर एक व्यक्ति से जुड़ाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हो सके। और वैसी ही कुछ तस्वीरें आज भी नजर आने वाली है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी का भी फोकस यही रहता है कि जुड़ाव उनका रहे हर एक व्यक्ति के साथ में, और वही तस्वीरें आज नजर भी आने वाली है जब राहुल गांधी पहुंचेंगे लोगों के बीच में। और देखिए, अब से कुछ ही दिन पहले की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी की कुली वाली तस्वीर भी आप नहीं भूले होंगे, क्योंकि अक्सर इन्हीं तस्वीरों में राहुल गांधी आजकल नजर आते हैं, क्योंकि हर सेक्टर को समझने का प्रयास करते हैं, लोगों के दर्द को पीड़ा को समझने का प्रयास राहुल गांधी के द्वारा किया जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि राहुल गांधी जब जयपुर में सभा को संबोधित करेंगे उसका इंतजार अब किया जा रहा है, जयपुर वासियों के अंदर उत्साह है। क्योंकि देखिए, इससे पहले की अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के वक्त राहुल गांधी जब जयपुर आए थे तब भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स राहुल गांधी को मिला था जयपुर वासियों की तरफ से। जयपुराइट्स ने काफी प्यार राहुल गांधी को दिया था भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी। और ऐसे में जब राजस्थान की धरती पर एक बार फिर से राहुल गांधी आ रहे हैं तो पूरी पूरी उम्मीद है कि इस बार राहुल गांधी का जो स्वागत है जनता के द्वारा और भी ज्यादा हंसी खुशी के साथ में और जोरदार स्वागत होगा। और फिलहाल ये तस्वीरें उस वक्त की, हालांकि काफिला राहुल गांधी का
रवाना हो चुका है रामबाग पैलेस में और वहां पर कुछ देर आराम राहुल गांधी करेंगे और उसके बाद में बैक टू बैक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हालांकि ग्राफिक्स के माध्यम से हम लगातार तस्वीरें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज कौन कौन से कार्यक्रमों में राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। देखिए हाईटेक हेडक्वार्टर जो बनने हैं, क्या क्या सुविधाएं उनमें होनी है, उसकी जानकारी भी फर्स्ट इंडिया आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहा है। और ये बड़ी जानकारी, राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं और जयपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद स्वागत में मौजूद रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा की अगर बात की जाए तो कल ही वह जयपुर आ गए थे और तैयारियों को लेकर के जानकारी उनके द्वारा ली जा रही थी, फीडबैक उनके द्वारा लिया जा रहा था कि तैयारियां किस तरह की चल रही हैं। क्योंकि देखिए ये दौरा राहुल गांधी का बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव को लेकर भी ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है, तैयारियां पूरी रखना चाहती है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, तैयारियों को लेकर के लगातार अपडेट ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और इसी को लेकर के एक दिन पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंच चुके थे और उसके बाद उनके द्वारा ये फीडबैक लिया गया। और देखिए इस बात को सुनिश्चित किया गया कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर के कोई भी तैयारी अधूरी ना रह जाए। और ऐसे में समझा जा सकता है कि आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जो दावा कांग्रेस पार्टी बार बार कर रही है, जो दावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया जा रहा है, उनके मंत्रियों के द्वारा किया जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, अभी देखने वाली बात होगी कि वो वादा, ये दावा धरातल पे कितना ज्यादा सही साबित हो पाता है। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, तमाम तैयारियां की जा रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राहुल गांधी का आगमन अब हो चुका है, किस तरह से देख रहे हैं आज के दिन को, कितना महत्वपूर्ण होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए महत्वपूर्ण इस बात को लेकर आयुषी की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ नहीं आए, मल्लिकार्जुन खड़गे बाद में आएंगे, राहुल गांधी आ चुके हैं और राहुल गांधी जयपुर के अंदर तमाम उन गतिविधियों को जांचेंगे जो अब तक कांग्रेस पार्टी की चल रही है, सत्ता और संगठन किस तरह से चुनावी रणनीति को बना रहे हैं उसको लेकर भी वो गंभीरता के साथ यहाँ के नेताओं से बात करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और तमाम प्रमुख लीडर्स, कोर कमेटी के सदस्य, उनके साथ बातचीत की बात कही जा रही और तकरीबन 12 बजे के लगभग राहुल गांधी मेला ग्राउंड मानसरोवर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश भर से आए हुए बूथ स्तर तक के जमीनी कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव के समय दिन रात एक करते हैं, उन तमाम कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी का संबोधन होगा और उससे पहले इंदिरा भवन जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया भवन है उसका शिलान्यास करेंगे और चुनावी रणभेरी बच जाएगी। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अब से कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली, उससे पहले ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी सभा होगी। यहाँ पर इस सभा के जरिए कुछ ऐलान भी किए जा सकते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ नई घोषणाओं का ऐलान कर सकते हैं। ये तमाम पहलू हैं राजनीतिक तौर पर, ये कहा जा सकता है कि पूरा एक वातावरण बनाने का प्रयास है आपकी कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोश से लबरेज करना। राहुल गांधी का जो आज की स्पीच है, हाल ही में हमने उनको सुना था जो महिला आरक्षण के मुद्दे पर सदन में अपनी बात कर रहे थे, पर हमने देखा कि वो उस सांसद से मिलने गए जिनको लेकर रमेश विधोड़ी भी के सांसद ने अशोक जी टिप्पणी की। अब राहुल गांधी आज क्या कहते हैं राजस्थान की कांग्रेस की एकजुटता को लेकर, राजस्थान में तमाम वो घटनाक्रम जो दिख रहे हैं राजनीतिक तौर पर उनको लेकर, बीजेपी की जो परिवर्तन यात्राएं राजस्थान में निकली है उसको लेकर, कि दो दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जयपुर आगमन है और जयपुर ग्रामीण के इलाके में कहा जा सकता है जहाँ राहुल गांधी की सभा हो रही है, कुछ ही दूरी पर नरेंद्र मोदी की भी सभा दो दिन बाद होगी। नरेंद्र मोदी क्या काउंटर करेंगे आज राहुल गांधी जो कहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो चुनावी संदेश देंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी का दौरा होगा।
आज का पूरा राजनीतिक जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही एक अलग राजनेता के तौर पर हमारे सामने आए हैं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा भाग निकला था, तकरीबन 5 से 6 जिलों से राजस्थान में ये यात्रा निकली। जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचे थे झालावाड़ जिले में और मध्य प्रदेश से उनकी एंट्री हुई थी और उसके बाद वो अलवर से दिल्ली के रास्ते कूच कर गए, तो कहा जा सकता है कि इस पूरे यात्रा के दौरान बहुत करीब से उन्होंने राजस्थान की राजनीति को, राजस्थान की सरकार क्या कुछ कर रही है और राजस्थान की सरकार के कामों का परिणाम कितना आ रहा है, उन मुद्दों को राजस्थान की जनता से उन्होंने बात की, यहाँ से कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की और एक पूरी यात्रा अपने आप में बेहद अहम रही थी। अब हमको ये देखना होगा कि इस यात्रा के बाद राहुल गांधी मानगढ़ आए, उन्होंने अपनी बात मानगढ़ बोली और अब राहुल गांधी जयपुर के अंदर चुनावी श्रृंखला करेंगे, सभा करेंगे, तो कहा जा सकता है कि एक संदेश होगा कि चुनावी तौर पर किस तरह कांग्रेस पार्टी को अब काम करना है। राजस्थान में पिछले 30 सालों में एक मिथक बना हुआ है, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, उस मिथक को कैसे तोड़ पाना है, क्योंकि तकरीबन 2-2.5 साल बाद ही राजस्थान की जनता ये तय कर लेती है कि अगली बार सरकार किसको लानी है। इस बार थोड़ा सा कंफ्यूजन राजस्थान की पूरी जनता के बीच नजर आया है, तो मुख्यमंत्री गहलोत के प्रति कोई इंकम्बेंसी इस वक्त मोटे तौर पर नजर नहीं आई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो चुनावी सर्वे, उस सर्वे पर कांग्रेस पार्टी तकरीबन हर हफ्ते 10 दिन में एक नया सर्वे करवा रही, कर्नाटक मॉडल के तहत कर्नाटक के थिंक टैंक, कर्नाटक के रणनीतिकार, वो तमाम नेता जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं और पूरी तरह से राहुल गांधी की वो टीम जिसने कर्नाटक को जिताने का काम किया था, वही टीम अब राजस्थान की रणनीति बनाने का काम कर रही है। इस तरह का फीडबैक उस टीम ने अब तक दिया है और अब किस तरह कांग्रेस पार्टी राजस्थान की जीत को लेकर एक ठोस रणनीति बनाने काम करेगी, क्योंकि राहुल गांधी को अंदाजा है कि राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कितनी गंभीर है। बीजेपी ने जो परिवर्तन यात्राएं निकाली हैं और इसके अलावा जो दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को वहां पर नियुक्त किया है, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री पटेल यहाँ आए हों, चाहे वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ पर आए हों, चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यहाँ आगमन हुआ और जिन्होंने और केंद्रीय नेता चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, तमाम लीडर्स ने राजस्थान के अंदर आकर यहाँ की परिवर्तन यात्राओं के दौरान जो चार दिशाओं से अलग अलग पूरी राजस्थान में लेकर इसके समापन पर हम मोदी जी आएंगे, तो उस यात्राओं का राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ हुआ, क्या जनमानस पर वो यात्राएं छाप छोड़ गई, तमाम बातें राहुल गांधी के संबोधन में आज हमें नजर आने वाली, एक लकीर खींच कर जाने का वो काम करें। और वहीं कांग्रेस के बरसों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मुराद है, उम्मीद है कि नया भवन कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए था, वो नींव आज भी रखी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को उसकी दुटासरा के लिए उपलब्धियों क्योंकि कार्यकाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नया वॉर रूम मिला और अब नया प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का भवन मिलेगा और पुराना जो भवन है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, वो पुराना भवन समुचित व्यवस्थाओं का अभाव, समुचित कक्षों का अभाव, पर्याप्त पार्किंग का नहीं होना और भी कई कारणों से वो टूटा पड़ रहा था। नया भवन जहाँ सभी अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष वहाँ बैठेंगे, तमाम खासतौर से और बिल्कुल योगेश जी, आज के दिन की अगर बात की जाए तो बैक टू बैक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं राहुल गांधी, उसको लेकर भी जानकारी आपसे आगे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए जिस तरह से योगेश जी भी जानकारी दे रहे थे कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी का आज का ये दौरा, क्योंकि चुनावी शंखनाद आज राहुल गांधी करने वाले हैं। इससे पहले अगर प्रभाव की बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जब राहुल गांधी राजस्थान की धरती पर थे,
तब अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा था और एक छवि भी राहुल गांधी की बदली थी। ऐसे में राहुल गांधी का आज का ये दौरा, जब वो सभा करते नजर आएंगे, लोगों के बीच जब राहुल गांधी नजर आएंगे तो तस्वीरें वाकई में देखने लायक होंगी और वो प्रभावी भी होंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो दावे लगातार किए जा रहे हैं वो कितने सच साबित होते हैं, कितने सही साबित होते हैं, उनको देखने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। यानी कि देखिए, साफ शब्दों में अगर बात की जाए तो चुनावों के अंदर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि पूरा फोकस कर्नाटक के अंदर जीत के बाद में कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है राजस्थान। और ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि हर रोज सौगातों के पिटारे खोल रहे हैं, हर रोज अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जिस तरह से जनता के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आते हैं, कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है, हर सेक्टर में सौगात देते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आते हैं। और उस लिहाज से अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का आज का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।